रात को 2 बजे जाकर दवाई खानी पड़ रही है। राधे राधे, मेरा नाम है धीरज सिंह और आप देख रहे हैं धीरज के ब्लॉग। तो मम्मी ने सबको रात को 2 बजे जगाया क्योंकि अभी हम सभी को दतिया के पास बने मंदिर माता रतनगढ़ वाली के दर्शन करने जाना है। अब मुझे तो ट्रेवल करने में वॉमिटिंग होती है, इसलिए मैंने एक टेबलेट ले ली। भैया मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो नाटक कर रही है। फिर मम्मी ने खर्चे के लिए पैसे लिए और सभी लोग दादी जी को बाय बाय बोलकर गाड़ी में बैठने लगे। इसकी चालाकी देख रहे हो, सबसे पहले खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। खैर छोड़ो, सबको बैठा कर मैं ड्राइवर भैया की बगल वाली सीट पर बैठ गया। फिर 4 घंटे की यात्रा करके हम लोग पहुंच गए और सिखा तो खाना मांगने वाली लग रही है। खाने को दे रहे। फिर थोड़ा पैदल चलने के बाद हम सभी लोग चंबल नदी के पास पहुंच गए, लेकिन यहाँ आकर रीना बता रही है मेरे पापा खो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद पापा मिल गए। अब ये जो चंबल नदी है, इसमें से नहाकर ही माता रानी के दर्शन किए जाते हैं। फिर जल्दी से हम सभी ने नीम की दातुन की। हमारे दिल पर पत्थर रखकर कपड़े तो उतार लिए, लेकिन मौसम के मिजाज और पानी की शक्ति देखकर मेरा तो नहाने का मन ही नहीं कर रहा था। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे पानी ठंडा था, ऐसा लग रहा था कि आज तो कुल्फी ही जम जाएगी।